तो हमने डेटा टाइप बूलियन नंबर और स्ट्रिंग पढ़ लिया, अब हम एरे पढ़ते हैं। एरे पढ़ने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, दैट वुड कॉल्ड एट ES6 एरे। सही है, यस। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना। एक्चुअली मिसाल के तौर पे मैं अगर इस इंस्टीट्यूट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर पे जाके ना अपना साइन अप कर लें। जैसे आपने किया भी होगा, बल्कि जब यहाँ पे एडमिशन, हाँ यहाँ पे जब आपका, हाँ यहाँ पे जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो इन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया होगा आपसे, और जैसे ही वो आपने फॉर्म फिल किया तो आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा वहीं पे। तो वो इस तरह का अगर कोई मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और मुझे वहाँ पे बंदे का क्या लेना है, नाम, CNIC नंबर और फ़ोन नंबर, तो मैं नाम के लिए कौन सा फील्ड लगाऊंगा, जो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा वो कौन सा होगा, टेक्स्ट होगा ना, टाइप टेक्स्ट होता है। सही है। अच्छा, फिर वो टाइप टेक्स्ट जब मैं डेटा उठाऊंगा तो पीछे जो वेरिएबल में डलेगा वो, जैसे हमने उठाया ना डेटा क्वेरी सेलेक्टर करके, तो क्वेरी सेलेक्टर करके जब वो वेरिएबल में डलेगा तो वो कौन सा टाइप वेरिएबल बनेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो फ़ोन नंबर है उसके लिए मैं जो बनाऊंगा जो इनपुट बॉक्स वो कौन से टाइप का बनाऊंगा। आर यू श्योर, आर यू श्योर के नंबर का बनाना चाहिए मुझे। नंबर में अगर मैं बनाता हूँ तो अगर मैं लिखूँगा ना 0302, तो वो शुरू वाला ज़ीरो तो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना। मिसाल के तौर पे 0302 एक 4 डिजिट का नंबर है। अगर मैं ये लिखता हूँ 0302, तो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये शुरू वाला ज़ीरो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 0302, तो ये एक्चुअली 302 लिखा हुआ है। चलो RS लगा देता हूँ ताकि मोर मज़ीद। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 302 लिखा हुआ है, तो ये इस ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको वो ओमिट कर देगा अगर मैं नंबर नंबर वाली फील्ड लूँगा तो। अच्छा, फिर लिहाजा क्या होता है इसमें, 0302 भी नहीं होता, इसमें प्लस भी होता है, +92 होता है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर लिखूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट इनपुट ले सकता हूँ। उसके अलावा एक फ़ोन इनपुट भी होता है, फ़ोन नंबर इनपुट भी होता है, जो टाइप है ना आप उसमें फ़ोन लिख देते हैं तो वो फ़ोन नंबर वाला इनपुट बन जाता है। वो ये चीज़ें सारी, यही चीज़ें अलाउ करता है वो, जो एक फ़ोन नंबर में हो सकती है, जैसे कि प्लस हैश का एक साइन हो सकता है फ़ोन नंबर में, तो वो वाली सारी चीज़ें वो अलाउ करता है, बाकी चीज़ें अलाउ नहीं करता। इसी तरीके से अब मुझे बंदे की एज इनपुट लेना है, वो मैं किस तरह से लूँगा, उसके लिए इनपुट टाइप कौन सी होगी, एज, एज नंबर, आर यू श्योर, सब लोग इस पे कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, तो आपको पता लग गया कि कब स्ट्रिंग होगा कब नंबर होगा, आपको पता है ना। हाँ, टेक्स्ट जब भी होगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, जब भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो हम नंबर लेंगे। ठीक है, तो आपने खुद से ये पता लगा लिया ना, तो इसका मतलब है आपको समझ आ गया। अच्छा, ES6 अच्छा, तो मैंने एरे डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले क्या देखा, मैं कहता हूँ लेट, उसके बाद मैं लिखता हूँ एक अदद कोई नाम, मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम, और उसके बाद मैं इक्वल्स टू लगा के ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता नंबर तो ये नंबर वेरिएबल बन जाता, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाता है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर स्क्वायर ब्रैकेट 1,3,2,6 रैंडम नंबर्स मैंने लिखे हैं, तो ये क्या बन गया, ये एरे टाइप का वेरिएबल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एरे टाइप का वेरिएबल। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये पहले से पता है कि एरे क्या चीज़ होती है, या एरे का नाम सुना हुआ है एटलीस्ट? सबने सुना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया नाम। अच्छा, लेकिन आप ज़्यादातर आप में से लोग ऐसे हैं जिनका प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा तो नहीं है जिसको पहले से आता है वो बोर ना हो जाएगा, तो उसको भी ज़रा एंटरटेन करते हुए चलेंगे ना।
ठीक है, गिनती है। हाँ, तो अच्छा इसमें मैंने, आप नोट करें, एक तो कैमल केस में मैंने नाम लिखा है, ये कैमल केस तो तकरीबन, यानी तकरीबन नहीं, तमाम वेरिएबल्स के लिए मुझे, मैं चाहिए कि मैं कैमल केस को इस्तेमाल करूँ ना, तमाम वेरिएबल के लिए। अच्छा, और मेरी कोशिश ये भी होती है वेरिएबल का नाम रखते हुए कि हमेशा ना एटलीस्ट वो दो वर्ड्स का नाम हो, सिंगल वर्ड वाला नाम ना हो। मतलब वेरिएबल को अगर मैं ये भी करूँगा ना कि जी एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू, जैसे मैथ में क्या करते हैं वो एक्स वाई करते हैं, है ना, तो वो उस तरह से भी मैं नाम रख सकता हूँ इसमें, बट दैट इज़ नॉट रेकमेंडेड ना। बेहतर ये है कि आप दो वर्ड का एटलीस्ट नाम रखें, और दो वर्ड भी एक्चुअली पॉइंट, दो वर्ड नहीं है पॉइंट, ये है कि जो वेरिएबल का नाम हो वो डिस्क्रिप्टिव हो, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो, कि वेरिएबल का नाम देख के ही पता लग जाए कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए बनाया गया। ठीक है, तो एक हमारे टीचर हैं नौशाद आज़ू साहब, जिनसे मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग पढ़ी, तो वो एक किस्सा हमें सुनाते थे, किस्सा नहीं एक्चुअली, इसको हम कहते हैं वेल, इसको कुछ कहते हैं, बड़ा अच्छा इसका नाम होता है, जो एक्चुअल कोई स्टोरी नहीं होती लेकिन अफसाना नहीं, अफसाना तो लंबा होता है, तो वेल अभी मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर में कि उसको क्या कहते हैं। तो एक डेवलपर था, वो सॉफ्टवेयर बना रहा था कोई, अच्छा तो उसने एक वेरिएबल, कोई सीक्रेट किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहा था वो, शायद किसी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए मे बी, तो वो सीक्रेट किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बना रहा था, तो उसने एक वेरिएबल का नाम रखा, तो जब वो उस वेरिएबल का उसने नाम रखा तो सिर्फ उसको पता था कि उस वेरिएबल का नाम उसने क्यों रखा है, मतलब जो भी नाम रखा होगा उसने, या ए बी सी नाम रखा होगा, तो सिर्फ उसको पता था और ये अल्लाह ताला को पता था कि वो नाम उसने क्यों रखा है। अच्छा, 3 महीने बाद जब वो दोबारा आया और उसको सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो नाम जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता था कि वो नाम उसने क्यों रखा था। ठीक है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि नाम हमारा ऐसा डिस्क्रिप्टिव हो, ऐसा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो कि वो नाम देख के हमें पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई थी कि हमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव नाम रखना चाहिए, प्लस कैमल केस हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है कि इसके लास्ट में ना मैंने एस लगाया, तो ये एक कन्वेंशन है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं बल्कि इन जनरल तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जो एरे का नाम होता है ना उसके लास्ट में एस लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एरे में हमेशा एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं, तो इसलिए इसमें हमेशा एस लगाया जाता है। ठीक है, तो हम ये सारी कन्वेंशंस देखते हुए चल रहे हैं साथ साथ, बेहतर ये है कि शुरू दिन से इसकी प्रैक्टिस हो, शुरू दिन से आपके हाथ पे ये चीज़ें सेट हों, अदरवाइज़ ये सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप जाओगे या कहीं पे आपको कोई टास्क वगैरह मिलेगा, तो वहाँ पे आपका इंचार्ज आपको ये सारी चीज़ें बताएगा, तो उस वक्त तक आपके हाथ पे चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं, फिर चेंज आना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है ना, आदत जो बन जाती है शुरू में वही रहती है, तो बेहतर ये कि ये वाली आदत शुरू से बनाएं आप। अच्छा, तो मैंने कहा लेट माई नंबर्स, उसके बाद अब ये एरे क्या वाला है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखें, मुझे अगर मिसाल के तौर पर 3 नंबर के वेरिएबल्स चाहिए तो मैं किस तरह करता उसको, मैं कहता पहले मैं ये करता था ना, माई नम 1 और 1, ठीक है, इसी तरह माई नम 2, माई नम 3, माई नम 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, माई नम 3 इक्वल्स टू 2 और 6, तो मैंने ये 4 अलग अलग वेरिएबल बना लिए। ठीक है, मैंने ये 4 अलग अलग वेरिएबल बना लिए जिसमें मैंने 4 डिफरेंट नंबर्स को स्टोर करवाया। ठीक है, अच्छा यही काम को करने का एक शॉर्टकट तरीका है वो जावास्क्रिप्ट में, वो ये है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव डेटा टाइप, कि इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक साथ हम इसको स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये करने में और ये करने में छोटा सा एक ही डिफरेंस है, वो हम आगे फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे ना वो हम देखेंगे उस वक्त क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी राइट नाउ हम, मैं अगर इस तरह से बनाता हूँ वेरिएबल तो भी सेम बात है, इस तरह से बनाता हूँ तो भी सेम बात है, वो डिफरेंस छोटा सा ये है कि एरे के ऊपर ना हम आइट्रेट कर सकते हैं, इस वाले पर हम आइट्रेट नहीं कर सकते, दैट्स इट, अदरवाइज़ आइट्रेट का मतलब है कि इस पर एक एक करके बारी बारी इस पर जाके हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, आइट्रेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं हर कंप्यूटर पे जाके कुछ चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई स्टिकर लगाना है हर कंप्यूटर पे,
तो मैं पहले कंप्यूटर से शुरू करूँ, उस पर स्टिकर चिपकाऊँ, फिर दूसरे पे चिपकाऊँ, फिर तीसरे पे, और ऐसे करते करते मैं ईच एंड एवरी कंप्यूटर पे लास्ट तक जाऊँ। तो दिस इज़ कॉल्ड कि आई एम आइट्रेटिंग ऑन ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन दिस लैब ना, तो आइट्रेट इसको करना कहते हैं। ठीक है, आइट्रेट, आइट्रेट इंग्लिश का ही वर्ड है वैसे तो। आइट्रेट को क्या बोलेंगे उर्दू में? इंग्लिश में कोई और नाम शायद नहीं है इसका, उर्दू में भी कोई नाम मुझे तो नहीं पता। आई, ये मेरी मसल मेमोरी में है, ये है स्पेलिंग। हाँ, आइट्रेट की इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी है? परफॉर्म द अटर, परफॉर्म और अटर रेपिडेटली द बर्ड कॉल इज मोनोटोनियसली आइटरेटेड सिंगल नोट। पता नहीं क्या बात लिखी है, मुश्किल सी कोई बात लिखी है। मेक रिपीट यूज ऑफ मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। हाँ, ये तो प्रोग्रामिंग वाली डेफिनेशन इसने लिख दी ना, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, क्योंकि उसको प्रोसीजर भी कहते हैं। वेल, देयर इज नो अदर वर्ड, देयर इज नो अदर वर्ड। हाँ, आइट्रेट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लूप थ्रू। सही है ना, ये लूप थ्रो भी एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, आइट्रेट करने के लिए, कि भाई कि मैं किसी किसी एरे पे मैं लूप थ्रो कर रहा हूँ या मैं किसी एरे पे आइट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, वेल, ये हम जब लूप पढ़ेंगे तो जब देख लेंगे, अभी इसको हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमने इस पॉइंट पर क्या सीख लिया? एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, एरे को बनाना सीख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इस एरे को प्रिंट करना है हमने। इस एरे को प्रिंट मैं कैसे करूँगा? कंसोल डॉट लॉग माई नंबर्स। ठीक है जी, चलें इसको चला कर देखते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा एरे क्या हो गया? प्रिंट हो गया। इसमें ये फोर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें फोर इंडेक्सेस हैं, फोर आइटम्स हैं, और इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये मुझे ज़ीरो पे, ये वन पे, ये टू पे, ये थ्री पे है ना। ठीक है, तो चार आइटम्स थे, वो चारों मुझे यहाँ पे प्रिंट होके नज़र आ गए। अच्छा, अब तुक्का लगाओ कि मुझे इन चारों को नहीं बल्कि मुझे सिर्फ एक को प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे थ्री को प्रिंट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? माई नंबर के साथ थ्री लगा दूँ ऐसे? नहीं, नॉट लाइक दिस। स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं और इस पे लगाऊंगा मैं वन। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, इसका इंडेक्स यानी इसका सीरियल नंबर है एक्चुअली। तो ये पहले वाले का सीरियल नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो बेस से शुरू होता है। इसका वन है, इसका टू है और इसका थ्री है। तो मैं लिहाजा क्या करूँगा? मैं ज़ीरो लिखूँगा तो वन प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने कहा कि आप माई नंबर्स में जाओ। आप समझ लें कि माई नंबर्स जो है ना, एक तरह की अलमारी है। इस वक्त नंबर वही है जो जो नंबर वेरिएबल में हम सिंगल सिंगल नंबर रखते थे ना, नंबर वही है अभी। बट जो नंबर का वेरिएबल था, जिसको हम नंबर वेरिएबल कह रहे थे, दैट वाज अ सिंगल बॉक्स ना, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती थी। बट ये जो नंबर्स हैं ना, एक्चुअली दिस इज़ लाइक अ कबर्ड, कि जी एक कबर्ड है जिसके अंदर ना कई सारे बॉक्सेस हैं, तो हर बॉक्स में एक वैल्यू रहेगी। ठीक है, और हर बॉक्स का एक सीरियल नंबर है। ज़ीरो सबसे टॉप वाला जो है, यानी सबसे पहला जो है, वो ज़ीरो है शायद। उसके बाद वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। तो अभी हमने ये चार खानों वाली अलमारी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो मैंने कहा यार, ज़ीरो वाले खाने में जो पड़ा है ना, उसको प्रिंट कर दो। तो ये ज़ीरो वाले को प्रिंट कर देगा, एंड देन वन टू और थ्री, वन टू और थ्री। तो ये वन थ्री टू और सिक्स, ये सीधे सीधे प्रिंट हो जाएंगे चार चार अलग अलग लाइनों में। लेट्स डू दैट। क्या हो रहा है ये? रिफ्रेश। ठीक है, वन टू थ्री, वन थ्री और टू और सिक्स, ये चारों वैल्यूज़ अलग अलग क्या हो गई? प्रिंट हो गई। तो हमने क्या सीख लिया इस पॉइंट पे? हमने एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाना सीख लिया, और एरे के जो इंडेक्सेस हैं उनको अलग अलग हमने एक्सेस करना सीख लिया। इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने इंडेक्सेस हो सकते हैं। मैं इसमें दो चार वैल्यूज़ और लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मुझे मना नहीं करेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब जैसे अलमारी में तो लिमिट होती है ना, कि चार पाँच खाने वाला ही होता है मैक्सिमम, या शायद 10 12 खाने वाला होगा। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट जो पहले नंबर पर लिखा है वो ज़ीरो ही है, बाई डिफ़ॉल्ट, ये नहीं चेंज होगा। अच्छा, तो ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, वन है, टू है, थ्री है।
अब इसका इंडेक्स क्या होगा, बाई डिफॉल्ट 4 होगा, इसका होगा बाई डिफॉल्ट 5, इसका होगा 6, इसका होगा 7। लेकिन हमने अगर इसको वो नहीं किया ना, अलग तरीके अलग नहीं किया, तो उधर प्रिंट कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन अलग नहीं किया? मतलब ये हमने अभी किया ना माय नंबर 0, हमने हर एक को अलग-अलग इंडेक्स किया है ना, ठीक है, बाकी जो हम अभी आपने लिखे उसको हमने नहीं किया अलग-अलग इंडेक्स, ठीक है, तो ये फिर प्रिंट होगा? नहीं प्रिंट तो देखें, असल में गौर से समझें इस चीज़ को, यहाँ पे ना मैंने जिसको प्रिंट करवाया, जस्ट जब ये बना था ना वेरिएबल, जब ये वेरिएबल बना था तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ओपन किया, उसके बाद मैंने एक वैल्यू लिखी, ठीक है, 1, फिर कॉमा दिया, सही है, फिर एक दूसरी वैल्यू लिखी, फिर कॉमा दिया, फिर एक तीसरी वैल्यू लिखी, फिर कॉमा दिया, तो इंडेक्स इसी वक्त बन गए थे। जो ये पहला वाला पार्ट है ना, इसके अंदर पहली वैल्यू है, मैंने 1 लिखा था, मैं इसमें 11 कर देता हूँ, जहाँ पर कॉमा आ गया इसका मतलब है अब ये दूसरा खाना है, ठीक है, जब ये दूसरा खाना है, ठीक है, उसके बाद 3 है, फिर कॉमा है, अच्छा ये 3 जो है ये दूसरा खाना यहाँ ख़त्म हो गया, फिर ये तीसरा खाना है, ये चौथा खाना है, ये पाँचवा खाना है, ये छठा खाना है इसका, और ये सातवां खाना है, आठवां। यहाँ पे मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि खाना नंबर 0 में जो है ना, वहाँ से उठा के ले आओ और ला के प्रिंट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं किसी को भी प्रिंट ना करवाऊँ, अगर इनमें से किसी को भी प्रिंट ना करवाऊँ, तो स्टिल वो इंडेक्स अपनी अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है। वेल, तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, अगर मैं इस 2 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 0 1 2 3 4 5 लिखूँगा, तो ये 0 प्रिंट हो जाएगा, तो मैं 5 भी इसमें से प्रिंट करवा देता हूँ, हो जाएगा प्रिंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर वैसे अगर इस एरिंग में जो है ये 2 प्रिंट ज़्यादा हो ना, तो हमें पहले उनको गिनना पड़ेगा। यस यस यस, अच्छा चलो मिलके गिन लेंगे, कोई मसला नहीं है, मिलके गिन लेंगे, सही है। यार ये बार बार ट्रांसलेशन क्यों इसमें शो हो जा रही है, क्या बकवास है ये। अच्छा तो ये प्रिंट हो गया 2 भी। अच्छा अब मैं अगर कोई ऐसा इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि 500, ठीक है, 500 वाला इंडेक्स तो नहीं है ना मौजूद इसमें, क्योंकि 8-10 ही आइटम है, ये 500 पे कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली, तो क्या इसको प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा एरर नहीं आएगा इसमें, अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे अनडिफाइन। तकरीबन जावास्क्रिप्ट के एरे में जो हम एरे यूज़ करते हैं, कितने नंबर्स एरे में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 में? हाँ, देखो दो, ये दो अलग अलग सवाल हैं कि कितने यूज़ कर सकते हैं और आमतौर पर हम कितने यूज़ करते हैं। हाँ अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं का जो सवाल है ना, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा यूज़ आमतौर पर कितना करते हैं, ये 2-3 भी हो सकता है और 2-3 हज़ार भी हो सकता है और 2-3 लाख भी हो सकता है, देखो डिपेंड करता है कि केस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर एक एक रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर क्या होता था कि एक सेंसर लगा हुआ था IoT का, जहाँ से क्या आता था, टेम्परेचर आता था, ठीक है, कोई 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 फैक्ट्री थी कोई, उसमें क्या होता था कि वो लगा हुआ था चिलर और बॉयलर्स, तो क्योंकि मशीनों को शायद ठंडे पानी की और गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए बॉयलर और चिलर लगा हुआ होता था, तो उसकी मॉनिटरिंग का वो एक डैशबोर्ड था। तो क्या होता था कि उस सेंसर में से ना हर 5 सेकंड बाद एक रीडिंग आती थी टेम्परेचर की फॉरेनहाइट के अंदर, और वो रीडिंग आती थी और मुझे मेरे जो सेटअप था उसको मिलती थी वो रीडिंग, और मेरा सेटअप क्या करता था, उसको डेटाबेस में स्टोर कर लेता था। अच्छा अब वो हर 5 मिनट पे, क्योंकि एक एक रीडिंग आ रही है, हर 2-4 मिनट पे आ रही है रीडिंग, वो तो वो एक नंबर आता था और वो इस एरे में एक ऐड हो जाता था आगे। अच्छा तो अब वो सुबह से शाम तक एक दिन की जो रीडिंग होती थी ना, वो लाखों में होती थी। अच्छा क्योंकि वो एक सेंसर नहीं थे, वो बहुत सारे अलग अलग सेंसर थे, तो हर सेंसर के अगेंस्ट एक एरे बना हुआ था, तो अब वो जितना आता जाएगा वो पुश होता जाएगा। अच्छा और ये एरे फिर मैं फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले भी करवा देता था, डिस्प्ले करवाना आप सीख चुके हैं सब लोग, एरे को कैसे डिस्प्ले कराते हैं वो भी हम सीख लेंगे थोड़े दिनों में। तो वो एरे फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो जाता था, और ना सिर्फ वो एरे पे जो नंबर्स थे वो डिस्प्ले होते थे, बल्कि वो एक चार्ट की शक्ल में डिस्प्ले हो जाता था कि अच्छा जी अभी इस पर जो टेम्परेचर था वो 200 फॉरेनहाइट था, ठीक है, फिर ये 200 से कम हुआ, 198 हो गया, फिर ये और कम हुआ, 170 हो गया, फिर ये दोबारा 190 पे चला गया, ऐसे करके ना वो विद टाइम, विद रिलेशन ऑफ टाइम, वो एक चार्ट बन के पूरा डिस्प्ले हो जाता था, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, तो डिपेंडिंग ऑन कि योर केस, कि आप करना क्या चाह रहे हैं,
वो एरे का साइज़ वेरी करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें मैं बंदे से पूछना चाहता हूँ कि उसकी पसंद के कोई 3 नंबर मैं उससे इनपुट लेना चाहता हूँ, तो वो भी मैं एरे में करूँगा काम, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली एरे 3 इंडेक्सेस का होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप करना क्या चाहते हैं, ये जो है ना डिफरेंट हो सकता है इसका साइज़। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम इसको मतलब 200 इसका मैंने यूज़ किया है या मैं 200 यूज़ करता हूँ, ऐसा सीन नहीं है। जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आएगी वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट में इसके इंडेक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं एक लिमिट है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है वो रैम मेमोरी में स्टोर होता है ना। हाँ, जब ये वेरिएबल जो बना हुआ है ना, जब मैं कोड को रन करूँगा तो ये माई नंबर्स जो है ये रैम मेमोरी में स्टोर होता है। वो तो प्रोग्राम में एग्जिट हो गया ना, फिर तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया उस, अभी तो हम प्रोग्राम एग्जिट होता है हमारा सब खत्म हो जाता है, मुझे स्टोर नहीं होता। ऊपर डेटाबेस वगैरह हम लगाएंगे तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी वो डेटा स्टोर रहेगा, दैट इज़ अनदर स्टोरी ना। तो यानी जब जब मैंने ये वेरिएबल बनाया ना और जब मैं इसको रन करूँगा, रन मीन्स कि यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा, तो ये रन हो जाता है फ़ौरन। ठीक है, ये रन हो गया, तो जब ये रन होगा ना तो रैम में ये एक सर्टेन जगह ले लेता है। ये जो मेरे पास 10 इंडेक्सेस का एक एरे बना हुआ है यहाँ पे, ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है बकायदा। जब तक मैं इस टैब को बंद नहीं कर देता जब तक वो मेमोरी में स्टोर रहेगा। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो 4 GB रैम में जितने वेरिएबल्स आ सकते हैं मैं उतना ही वेरिएबल बना सकता हूँ। वंस वो मेमोरी रीच हो जाएगी 100% पे तो आपका सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा, राइट? क्योंकि सम टाइम होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं तो हमारा रैम जो होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इट मीन्स कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो ज़ाहिर है एक प्रोग्राम है, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जब वो प्रोग्राम रन होता है तो सर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बनते हैं। इस वक्त राइट नाउ तो 16 GB आई थिंक गुड इनफ है, 16 GB गुड इनफ है। 8 GB भी होगा तो इस कोर्स के लिए गुड इनफ है, 8 GB से कम अगर होगा तो शायद इस कोर्स में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है।